एवरीवन अस्सलाम वालेकुम जी जी तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दें, हर ताकि हर लेटेस्ट वीडियो जो भी सूद माफिया के खिलाफ पाकिस्तान में कोई भी होने वाला फ्रॉड हो उसकी वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों जितनी भी मेरे लोन एप्लीकेशन से मुतासर बहन भाई हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कहीं से स्किप नहीं करिएगा। इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मुफीदफुल है और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो आपके लिए मुस्तकबिल में बहुत काम आने वाली हैं। दोस्तों आज मैं सबसे पहले तो एक दो सवाल लूँगा जिनके मैं जवाब दूँगा। वीडियो को लास्ट में जाके मैंने एक ऐसी अनाउंसमेंट करनी है, यकीन जाने मैं गारंटी देता हूँ जिससे आप सभी बहन भाई इंशाल्लाह ताला अपने भाई के ऊपर प्राउड करेंगे और वो फ़ायदा भी आपका है। आपके लिए मैंने इतनी जद्दोजहद करके सारी मामलात को प्लान किया तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि वो कोई भी चीज़ मिस नहीं हो जाए। हमारी पूरी कोशिश है आपकी इस सूदी निज़ाम से जान छुड़वा दी जाए, आपकी जो भी मुश्किलात हैं आपका जो भी मसले मसाइल हैं उनको हम लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर भरपूर तरीके से एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ मिलके काम करें ताकि एक दूसरे को सूदी निज़ाम से बाहर निकाला जा सके। और जो प्लान है इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे मैं लाजमी शेयर करूँगा आपके साथ। दोस्तों मेरे पास पहला क्वेश्चन है जी, मोहम्मद शाहिद नाम है भाई का, भाई पूछ रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। भाई अगर गवर्नमेंट इजी लोन उधार पैसा ज़रूरत कैश क्रेडिट कैश SCCP लाइसेंस दे दें तो क्या फिर ये हम पर कोई कार्रवाई कर सकेंगे, प्लीज़ आंसर मी। तो ये एक बहुत अहम सवाल है। देखें पाकिस्तान के अंदर हमारे ऐसे मासूम भी पाकिस्तानी हैं जिनको आज तक यही नहीं पता कि कौन सी एप्लीकेशन को SCCP ने लाइसेंस दिया है, कौन सी एप्लीकेशन अभी इंडियन एप्लीकेशन है, चाइनीज एप्लीकेशन है, बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो लाइसेंस के बिना चल रही हैं। तो सबसे पहले शाहिद भाई मैंने आपका जस्ट एक सवाल आज फर्स्ट पे इसलिए पिक किया है ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकूं, आपको बता सकूं। शाहिद भाई प्ले स्टोर के अंदर बरवक्त एप्लीकेशन है, PK लोन है, इजी लोन है, क्रेडिट कैट है और ज़रूरत कैश है, ये 5 से 6 एप्लीकेशन ऐसी हैं कि जो जिन्होंने SCCP से लाइसेंस लिया है। और लिया इन्होंने कब है, जदों पंजाबी की एक कहावत है कि जदों डंडा सिर दे विच आके वजे ना उदों फिर बंदे नूं बड़ा कुछ डॉक्टर भी लभ जांदे ते बड़ा कुछ लभना पैंदा है। ठीक है जी, जब इनके सर में डंडा मारा है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जब अवाम ने इन लोगों की रिकवरीज़ को रोका, अवाम ने इनकी रिकवरीज़ को स्टॉप कर दिया, ऊपर से हुकूमत वक्त ने इनके ऊपर शिकंजा टाइट कर दिया, इनको ये एक बंद गली में चले गए, ये ना बाहर निकल सकते थे ना ये भाग सकते थे। ठीक है, ये कहीं के नहीं जब रहे। उसके बाद इक्तदार में बैठे, आला इक्तदार में बैठे हमारे कुछ हुक्मरानों ने इन लोगों को बैकअप फराम किया, सबसे पहले बरवक्त को, इजी लोन को, PK लोन को, क्रेडिट कैट को। I mean कि जब इनको पता चल गया ना कि हमारी जो रिकवरीज स्टॉप हो रही हैं, अवाम हमारे फ्रॉड को समझ रही है, उसके बाद इन लोगों ने SCCP का सहारा लेना शुरू कर दिया। ठीक है जी, SCCP का सहारा लेके, जैसा कि अभी तक आपको ये नहीं पता कि SCCP के से कौन कौन सी एप्लीकेशन रजिस्टर है, और आपकी तरह मेरे लाखों करोड़ों बहन भाई ऐसे हैं जो इनके शिकंजे में इसी तरीके से फंसते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता कौन सी एप्लीकेशन SCCP से रजिस्टर है, कौन सी कहाँ से आई है, कहाँ पे जा रहे हैं, पैसे हम क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता, बस वो लोन ले लेते हैं। जब मेरे बहन भाई फंस जाते हैं उसके बाद उनको अंदाज़ा होता है, इस चीज़ का दराक होता है कि ये तो बाहर की एप्लीकेशन थी। तो दोस्तों जब इनकी रिकवरीज पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप कर दी, इन लोगों ने स्टार्टिंग में जब ये आए इन पाकिस्तानी एप्लीकेशन ने जिन्होंने जिनको SCCP ने लाइसेंस दिए हैं, इन्होंने बहुत आखिर की रखी है, आप सभी को अंदाज़ा होगा। इन लोगों ने लोगों की पिक्चर्स को एडिट किया, लोगों को बे इंतहा, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में शायद इस किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं की गई जैसी ब्लैकमेलिंग इन एप्लीकेशंस ने शुरू की थी जब ये पाकिस्तान के अंदर इन्होंने स्टार्ट लिया था। जब SCCP को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ, पता चला गया तो सानू दिंदे भी कख नहीं पे, तो वाम नू लुट्टी भी जाते हैं, तो वाम भी हुण गर्म हुई खड़ी है, वाम भी कंप्लेन चाढ़ी जाती है। उसके बाद इन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया, फिर जाके इनको हमारे जो इक्तदार में बैठे हुक्मरान हैं उन्होंने इनको लाइसेंस दिए,
ठीक है जी, उन्होंने इनको कानूनी नुक्ता ये दिया कि आवाम को डराने के लिए आप SECP से लाइसेंस ले लें, जबकि SECP क्या है, मैं पहले भी आप सभी को डिटेल से बताता रहता हूँ कि SECP का काम है ओनली ऑन रेगुलेशंस लेना, कंपनी को रजिस्टर करना, इससे हट के SECP का कोई भी काम नहीं है और ना ही वो कोई काम करते हैं। इन लोगों ने जब इनको इस चीज़ का अंदाज़ा था, पता इस चीज़ का इनको था कि जो लोन वही ज़्यादा कसीर तादाद में वो लोग लेते हैं जो अनपढ़ हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इनकी इंग्लिश एग्रीमेंट्स को, जो अदारों को नहीं जानते। देखिए एक बंदा होता है पढ़ा लिखा, एक को पढ़ाया जाता है, ये जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये पढ़े लिखे वगैरह थे, ठीक है, इनके जो IT एक्सपर्ट्स हैं, जो इनके लेन देन सारा मामला को तय करते हैं, वो बहुत हाईली ला को समझते हैं, हर चीज़ों को वो समझते हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ा प्लान किया, इन्होंने कहा जी अगर 100 दे विचों 2 रुपये गवर्नमेंट नू देने पैंदे ने, 2 रुपये दे के गवर्नमेंट का मुँह बंद करवाने इंतजाम चल रहा, तो क्यों ना असं NG काम चला लिए। उसके बाद इन लोगों ने SECP से लाइसेंस ले लिए। आप सभी को ये सारी डिटेल बताने का मेरा मकसद ये था कि आपको पता हो कि इन लोगों को लाइसेंस कैसे मिले। अच्छा जी, अभी इस मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि इनको जो लाइसेंस दे दिए हैं ये आपके ऊपर कार्रवाई ज़िंदगी में करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप इन चीज़ों को माइंड में रखिएगा, ये जिसको भी लोन देते हैं 100 में से 98% ये अपनी रिकवरी करने में कामयाब हो रहे हैं। अगेन मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के अपील है, ऑन द रिकॉर्ड ये मेरी वीडियो YouTube के ऊपर हमेशा पड़ी रहेगी, खुदा की कसम जितनी भी एप्लीकेशंस को SECP ने लाइसेंस दिया है, जिंदगी में ये आपके ऊपर किसी भी किस्म की कार्रवाई कर जाए। शाहिद भाई, ये मेरा आपके लिए भी पैगाम है, मेरी पूरी ऑडियंस के लिए मेरा ये पैगाम है, अल्लाह की रजा की खातर, खुदा पाक के लिए एक मरतबा सिर्फ इनकी रिकवरीज को स्टॉप कर दें, एक ही टाइम में, एक ही वक्त में। इन कुत्ती के बच्चों को बोले पिक्चरें एडिट करनी है करें, जो दिल करता है ना करें, ठीक है, जैसा दिल करता है आप कर लें, पैसे हमने आपको वापस नहीं देने, ठीक है। खुदा की कसम एक हफ्ते के अंदर ये लोग भाग जाएंगे, आपको खुद ये चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है, कि ये तो बड़े बड़े दावेदार थे, हम आपका ID कार्ड ब्लॉक करवा देंगे, असं तुम्हें बाहर नहीं जान देना, असं थोड़ा साह पी लेना, तो थोड़ा खून चूस लेना, ठीक है, ये वाक्य से गया। सिर्फ एक हफ्ता इन लोगों को रिकवरी को स्टॉप कर दें, सारे निचोड़, मेरी सभी बातों का निचोड़ खुदा की कसम आप सभी लोगों के सामने आ जाएगा। इन लोगों की औकात नहीं है, बेशक SECP से लाइसेंस लिया है, बेशक नहीं लिया, इन लोगों की औकात नहीं है, ये कोई भी एप्लीकेशन आपके ऊपर कार्रवाई कर जाए। अभी इस मुद्दे पर आ जाते हैं जी, लोन किस एप्लीकेशन से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या कैसे पता चलेगा ये रियल एप्लीकेशन है या दो नंबर एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना चाहिए। जब ये एप्लीकेशन नहीं थी, मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ये कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बर वक्त से लोन लें, आप इजी लोन से लें, फलां से लें, फलां से लें, सभी बगैरत मेरे कागज़ों में एक बराबर हैं, क्योंकि सभी सूदी निज़ाम को चला रहे हैं, और ये मेरे अल्लाह ताला की ज़ात ने सख्ती से इस निज़ाम को मना फरमाया है, सख्ती के साथ उन्होंने अपने साथ इस चीज़ को जंग करार दिया है। तो मैं कभी भी आप लोगों को इस चीज़ का रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप उन एप्लीकेशन से लोन लें जिनको, जिन्होंने SECP से लाइसेंस लिए हुए हैं, जैसे कि मतदद यूट्यूबर्स गाइड कर रहे हैं जी SECP को लाइसेंस शुदा एप्लीकेशन से लोन लें। मैं आपको ये कहता हूँ सभी कुत्ते बराबर हैं, ठीक है, सिर्फ इनमें डिफरेंस 2 हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जिन एप्लीकेशन ने SECP से लाइसेंस लिया उनको इस चीज़ का डर है कि अगर हम किसी की माँ बेटी बहन भाई की पिक्चर को एडिट करेंगे, इस्लामाबाद में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, वो सीधे हमारे दफ्तर में पहुँच जाएंगे। अगर हम लोग उनको दफ्तर नहीं भी बताएंगे, वो SECP के बाहर जाके धरना देंगे, SECP से उनके दफातर का मुकम्मल एड्रेस लेंगे, अगर वो खुद नहीं भी पहुंच पाएंगे, इदारे हम तक पहुंच जाएंगे। अगर हम लोग किसी की प्राइवेसी को छेड़छाड़ करते हैं, किसी की भी पिक्चर को एडिट करते हैं, किसी को भी हरास करते हैं हद से ज़्यादा, ठीक है, तो वो सड़ियाँ नस्लां तबाह कर देंगे पढ़ के। जो एप्लीकेशन SECP से लाइसेंस शुदा है उनको सिर्फ इस चीज़ का डर है, वो आपको सूद देते हैं, सूद लेते हैं, लेकिन वो अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए पहले वाली वो स्कीमिंग नहीं कर रहे जैसे वो पहले कर रहे थे स्टार्ट में, जैसे शुरुआत उन्होंने की थी, अभी वो काम वो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? उनको पता है कि साडा पूरिया नस्लों का रिकॉर्ड SECP ने जमा किया हुआ है। अगर ज़्यादा कंप्लेंट चली गई, ज़्यादा कंप्लेंट्स SECP के पास, FIA के पास पहुंच गई, पहले वो लोग, उन लोग हमारे इदारों को इस चीज़ का पता चल चुका है, यूट्यूबर बता चुके हैं, आवाम इस चीज़ को वाजिया समझ चुकी है कि हमारे इदारे इन एप्लीकेशन के ऊपर कभी भी कार्रवाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक ये हुकूमत हाजिर हुकूमत जब तक है,
इदारे इनके ऊपर कभी भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो वो ऑलरेडी इस ताक में बैठे हुए हैं कि ये एप्लीकेशंस वाले कुछ ऐसा करें, हम हुकूमत के आगे अंगेस्ट खड़े हों, हमारे इदारे इस चीज़ का, ये मैं 101% एश्योर कर रहा हूँ कि हमारे इदारे इस इंतज़ार में हैं कि ये एप्लीकेशंस वाले कुछ ऐसी चवल मारें, ठीक है, ये ऐसा कुछ करें जिससे ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आएँ और हम अपनी आवाम को ये साबित कर सकें कि हम आपके लिए मुखलस हैं, आपके लिए खालस हैं, हमारे हाथों को बांधा गया है। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद आ जाती हैं जी नॉन SCCP लाइसेंस एप्लीकेशंस। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इन कुत्ती माँ के बच्चों को आपने कभी भी इंस्टॉल नहीं करना। जितनी भी नॉन लाइसेंस SCCP लाइसेंस एप्लीकेशंस है, खुदा के लिए अव्वल तो कोशिश, मैं अगेन आपसे ये मिन्नत कर रहा हूँ, इनको इंस्टॉल नहीं किया करें। खास तौर पे अपनी मैं माओ बहनों बेटियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इनको आप इंस्टॉल नहीं किया करें मोबाइल में। असल जो आपकी पिक्चर्स को एडिट किया जाता है, असल जो आपको थ्रेड करती हैं, ये बग़ैरत माँ के बच्चे करते हैं, ये एप्लीकेशंस करती हैं, जिनका माई बाप गॉड फादर चाइना में बैठा है, इंडिया में बैठा है, जिनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, ठीक है जी, इनसे आप खास तौर पे बचें। और मैंने स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्ट में आपसे ये वादा किया था कि मैं आपकी लोन एप्लीकेशन से जान छुड़वाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे बहन भाइयों, हम लोगों ने इस चीज़ का प्लानिंग की है, हम सब ने मिलजुल के 100 कोई दे दे, कोई 200 दे दे, कोई 50 रुपये दे दे, अगर किसी भी भाई को 2,000-5,000 की ज़रूरत है, 2,000 से लेके 5,000 तक, अगर किसी भी मेरे बहन को, मेरे भाई को ज़रूरत है, आप हमारे साथ रब्ता करें। सबसे पहले आप, हम सब ने मिलजुल के, मैंने भी डाल लें, आपने भी डाल लें, 10-20-100 जितनी आप हिम्मत रखते हैं, अपनी हिम्मत के मुताबिक, इस्तकामत के मुताबिक आप फंड दें हमें, जिसमें हम 10-20-50,000 का फंड बनाएंगे आपके लिए। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, कलमे की कसम है, हमारे लिए आपका पैसा आपकी खिदमत में लगेगा, हमारे बच्चों पे, हमारे ऊपर रोज़े क़यामत भी उस पैसे के हम देनदार हैं। अगर हम किसी का भी पैसा, किसी गरीब का पैसा अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, मेरी टीम इस्तेमाल करती है, हम रोज़े क़यामत भी आपके देनदार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करें इन एप्लीकेशन से जान छुड़वाने के लिए, हमें ये काम लाजमी करना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी फंडिंग, जितनी भी मेरी ऑडियंस है, जितने भी मेरे बहन भाई हैं, ख़ास तौर पे जो मुहैया हज़रात हैं, उनसे मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है जी, प्लीज़ थोड़ी थोड़ी फंडिंग करें आप लोग, हमें कुछ फंडिंग करें, आप फंडिंग दें, उसके बाद किसी को भी 2-4 दिन के अंदर अंदर फंडिंग को कम्प्लीट करते हैं हम। अच्छा, 50,000 तक हमने लिमिट रखी है, जब हमारे पास वो पूरे हो जाएंगे, फ़ी बंद, फ़ी कस हम 5,000 भी देते हैं, तो 10 बहन भाइयों को हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हम लोन उनको देंगे, वो ना ही उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई सूद होगा। ये मेन मकसद हमारा ये है इस फंड को इकट्ठा करने का, आप सभी को इन एप्लीकेशंस को डाटा ना देना पड़े, इन एप्लीकेशंस के जाल में आप लोग ना फंस सकें, आपकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। अगर आपको 2,000-5,000 की ज़रूरत है, आप हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको लोन देंगे, ठीक है जी। आप हमारे साथ एक टाइम का मुआहदा कर लें, 10 दिन 20 दिन 30 दिन, महीना, कि मंजर भाई इतने टाइम में हम आपको वापस कर देंगे, इतनी अमाउंट हमें चाहिए, हम आपको वो अमाउंट दे देंगे, आप अपने वादे के मुताबिक हमारी टीम को वो फंड वापस रिलीज़ कर दीजिएगा, ताकि मज़ीद और बहन भाइयों की भी खिदमत की जा सके। दोस्तों, हमारा ये प्लान है, और खुदा के लिए प्लीज़, जो बुरे कमेंट्स करते हैं, बैड कमेंट्स करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अल्लाह को याद रखें, आखरत को याद रखें, कम से कम ऐसा कर जाएं कि दुनिया आपको याद करे। प्लीज़, अगर हमारा ये जो मौक़िफ़ है, हमारा ये जो प्लान है, अगर आपको पसंद आया हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय से कीमती राय का इज़हार करिएगा। इसी के साथ दोस्तों, मंजर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।